गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे लिविंग साइंस की बुक से, जो कि क्लास 5 की है, सीसी का एडिशन है, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स। ठीक है, फूड एंड हेल्थ। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स सब कुछ एक ही वीडियो में अपलोड किए थे। ये वाला चैप्टर बड़ा है, सो एटलीस्ट इसके दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट में आज हम 50 क्वेश्चन आंसर्स इसके लेने वाले हैं, 5050, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू स्टे हेल्दी? हमें क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टे हेल्दी। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? वी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी। हमें होलसम फूड खाने चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है। वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास जो है वो सफाई रखनी चाहिए। अवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज अराउंड इट। हमारे घर के आसपास पेड़ ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रेगुलरली यानी कि ऑलमोस्ट रोज ही जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली। और हमें आराम भी प्रॉपरली करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ऑलमोस्ट लिविंग साइंस के मैक्सिमम चैप्टर्स जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर कंटेंट इन आवर फूड। तो वो न्यूट्रिएंट्स बताओ जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। तो आवर फूड कंटेंट्स, हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अलावा फूड में और क्या होता है? इट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। तो अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो 5 तो न्यूट्रिएंट हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए फिर से पढ़ो। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। इनके अलावा जो है वो रफेज और वाटर भी जो है वो फूड में हमें मिलता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? अब बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो वो डाइट जिसमें ये 5 न्यूट्रिएंट और रफेज एंड वाटर सब कुछ जो है वो बैलेंस तरीके से होगा। ठीक है, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना कोई चीज़ बहुत कम। तो वही चीज़ हो गई हमारी की बैलेंस डाइट है वो। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर डाइट? हमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्या जरूरत है, इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में? वी नीड, ये टी नहीं है डी है, वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, खेलने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो वर्क में ही बहुत सारी चीज़ें आ गई और प्ले करने के लिए भी। बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा देने चाहिए, बिकॉज उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लस वो लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे मजदूर वर्क हो गया, ठीक है, तो जो लोग को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना होता है उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट देखो, राइट सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप बताओ क्या क्या चीज़ें खाएं हम जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए, जिससे एनर्जी मिले हमें खूब सारी। तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, सीरियल्स खाइए, पल्सेस खाइए, स्वीट पोटैटो खाइए, शुगर लीजिए, इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन अवर डाइट? तो प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है बच्चों को, ठीक है, इन देयर डाइट, उनकी डाइट में। सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए। बच्चों को तो बड़ा ही होना है, समझ रहे हो, ग्रोथ की ज़रूरत होती है उन्हें, और रिपेयर करने के लिए। जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी है, सेल जो रिपेयर होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। तो खूब सारा प्रोटीन उन्हें मिलेगा तो उनके सेल या हमारे सेल भी जो है वो अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो बच्चों को जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो काफ़ी प्रोटीन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब क्या खाएं जिससे प्रोटीन मिल जाए? सो मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है, क्या नाम है, प्रोटीन का। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक दही लीजिए, पनीर खाइए, दूध हो गया हमारा, या फिर दूध से बनी हुई रबड़ी ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको अच्छे से खूब सारा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। आप एग्स से भी प्रोटीन बहुत मिलता है, मीट से भी मिलता है, पल्सेस यानी दालों वगैरह से भी मिलता है, आर सम वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो इनसे भी जो है वो अच्छे से प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस मोर एनर्जी, फैट या कार्बोहाइड्रेट? कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, फैट देते हैं या कार्बोहाइड्रेट? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि फैट्स गिव अस मोर एनर्जी, जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, फैट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें।
राइट सम सोर्सेज ऑफ फैट. अब फैट कहाँ कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल से मिलता है हमें, बटर से मिलता है, घी से मिलता है, ये जो है वो सम वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट है. तो ये सब चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से फैट मिलेगा. ध्यान दीजिएगा एक बात पे और कि फैट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. कभी आप एनर्जी के चक्कर में बहुत सारा फैट वाला प्रोडक्ट खाने लग जाएँ, इससे ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है. मोटापे से क्या होगा, आपको डायबिटीज़ हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा देख के खाना चाहिए. नेक्स्ट आ जाइए, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स. अब विटामिन्स हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या महत्व है उनका, ठीक है. तो विटामिन कीप अवर बॉडी फिट, ये हमारी बॉडी को एकदम फिट रखते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी एपेटाइट यानी हमारी भूख को, और इंक्रीज करते हैं बॉडी की एबिलिटी को जिससे कि वो फाइट कर सकें डिसीज़ यानी कि बीमारियों से, ठीक है. तो विटामिन जो हमारी बॉडी को क्या क्या रखते हैं, फिट रखते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी एपेटाइट यानी भूख को, इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी की एबिलिटी को, किस चीज़ की एबिलिटी, टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी को. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. तो मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, बड़े करने के लिए किसी चीज़ को, मतलब किसी इंसान को, जीव को, और डेवलपमेंट बॉडी की जो होती है मिनरल्स से होती है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, राइट टू गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. अब ये विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या खाएं जिससे मिलें, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन. तो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उससे काफ़ी अच्छे से आपको विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो मिल जाते हैं. राइट द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. वो कॉम्पोनेंट बताइए जिससे कोई न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल रहा है, पांच न्यूट्रिएंट में से कोई भी नहीं मिल रहा. पांचों कौन से थे, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, और कौन कौन सा था, फैट था, और कौन कौन से थे, सोचो जल्दी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हो गए, ठीक है. लेकिन वो कह रहे हैं कि पांचों में से कोई भी नहीं मिलता इन्हें खाने से, लेकिन फिर भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं. तो कौन हो गए वो, रफेज एंड वाटर, ठीक है. रफेज एंड वाटर जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी आगे पढ़ाती हूँ मैं आगे क्या इंपॉर्टेंस है इनकी. फ्रॉम वेयर डू वी गेट रफेज एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट. अब रफेज हमें कहाँ से मिलेगा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में. रफेज वी गेट फ्रॉम सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही हमें जो फाइबर्स होते हैं जो उसके अंदर, वही से ही रफेज जो है वो मिल जाता है, और ये हेल्प करता है हमें टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. देखो जो वेस्ट फूड होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो जो होता है उसे बाहर निकालने के लिए पॉटी के माध्यम से रफेज खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी यानी कि पॉटी ना आने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है. अब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर तो बीमारियां हो जाएंगी आपके शरीर के अंदर. इसीलिए रफेज जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. आवर बॉडी नीड मिनरल्स, हमारे बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है, एंड विटामिन्स की होती है इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बस थोड़ी मात्रा में. ऐसे बहुत ज़्यादा हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत नहीं होती, थोड़ी क्वांटिटी में जरूरत होती है. स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस तो है. तो पूछ रहे हैं वाई, क्यों. दे आर इंपॉर्टेंट एज, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे कैसे होते हैं. दे हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस. तो सबसे पहले तो ये बीमारियों से लड़ने में हमारी बहुत मदद करते हैं. फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए विटामिन एंड मिनरल्स ज़रूरी हैं, और फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छे से हेल्दी रहने के लिए भी जो है वो हमें विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि काफ़ी सारे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो खाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड इन अवर बॉडी. अब खाना जो हम खाते हैं वो क्या फंक्शन करता है हमारे शरीर के अंदर. फूड प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये फूड के द्वारा ही तो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं. सो फूड प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सके. नेक्स्ट देखिए, वाई शुड वी डू होना चाहिए एक्सरसाइज डेली, ये बी नहीं है, वी होना चाहिए, WEV. वाई शुड वी डू एक्सरसाइज डेली, हमें एक्सरसाइज रोज क्यों करनी चाहिए. मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी इफ दे आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो हमारी मसल्स हैं हमारी बॉडी में वो कैसी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, फ्लैबी हो जाएंगी, अगर हम उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. अब रेगुलर एक्सरसाइज क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी टू डेवलप एंड टोन अप अवर मसल्स. अब आप हाथ पैर हिलाओगे, चलाओगे, बॉडी को हिलाओगे डुलाओगे तो मसल्स वर्क करेंगी ना, तो फिर वो क्या होगा, उससे क्या है वो अच्छे से टोन अप रहेंगी. तो मसल्स के लिए हमें एक्सरसाइज जो है वो रोज करनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए उनके. अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. जब आप एक्सरसाइज करते हो आपने देखा होगा ब्रीथ आप जल्दी जल्दी करने लगते हो, ठीक है. इससे क्या होता है मोर ऑक्सीजन जो है वो टेकन इन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या है गिविन आउट होगा. तो अंदर से खराब वाली गैस जो है वो बाहर निकल आएगी और अच्छी वाली गैस जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर ज़्यादा जाएगी. नेक्स्ट बात करो,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द हार्ट ऑल्सो बीट्स एट अ फास्टर रेट, जो है धड़कता है बहुत तेजी से ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एंड क्या होता है ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता है फास्टर, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारा तेज हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं. नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज हेल्प्स the nerves system by supplying more oxygen to the brain. आप exercise जब आप करते हो तो supply होता है ज़्यादा oxygen आपके brain को भी, और brain को बहुत अच्छे से oxygen मिलेगा तो obviously बात आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा. अब next आ जाओ, what is posture? Posture क्या होता है, कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, ठीक है. So posture is the position, वो position होती है in which we hold our body, हमने अपनी body को कैसे hold कर रखा है when we sit, कैसे हम बैठे हुए हैं, कैसे हम खड़े हुए हैं, कैसे हम move कर रहे हैं, ठीक है. तो वो आपको पॉस्चर है, कहते हैं ना आप सीधे बैठिए, सीधे खड़े होइए, सीधे चलिए, तो वो पॉस्चर करेक्ट रहता है. नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पे, देखिए व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट पॉस्चर. आप बोल रहे करेक्ट पॉस्चर में रहना क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होगा इससे अगर हम रहते हैं तो. सो करेक्ट पॉस्चर जो है गिव्स अ ग्रेसफुल अपीरियंस टू अवर बॉडी, तो एक बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुल अपीरियंस देता है. मतलब एक तो आप देखने में अच्छे लगोगे कि आप सीधे चलो, आप ऐसे बूढ़े अंकल की तरह थोड़ा झुक के चलते रहोगे तो आप अच्छे थोड़ी ना लगोगे, स्मार्ट तो नहीं लगोगे. आप कभी फौजियों को देखना, द वे दे यू नो वॉक, हीरो को देखो कैसे वॉक करता है, कभी आपने देखा हीरो को कोई कमर झुका के ऐसे चलते हुए ढीला ढाला, ऐसे नहीं ना, अच्छे से पॉस्चर रखता है ना एकदम स्मार्टली. तो पहली बात तो ग्रेसफुल, ठीक है, आप बहुत अच्छे से आपकी अपीयरेंस होगी वो ग्रेसफुल होगी, ठीक है. दूसरी बात क्या है, इट इम्प्रूव्स द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आवर जॉइंट्स, तो जॉइंट्स जो है वो फ्लैक्सिबल बहुत रहते हैं अगर आपका पॉस्चर करेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रेस्ट. अब क्यों प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, काम करते रहो काम करते रहो, रेस्ट ही मत करो, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या हो जाएगा अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे. तो देखो प्रॉपर रेस्ट इन रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप, स्लीप का मतलब यहाँ रेस्ट से ही है, सोते हैं तो रेस्ट ही तो करते हैं, रिलैक्स कर देता है हमारी मसल्स को. आप काम करते हो, बॉडी भी एक मशीन है, उसको थोड़ा भी आराम नहीं दोगे, जैसे फैन है आप लगातार चलाओगे फुक जाएगा ना, बिल्कुल हमारी बॉडी भी तो ऐसी होती है, एक मशीन ही तो है, आप उसे थोड़ा तो कहते नहीं ठंडा हो जाएगा, फ़ैन थोड़ा बंद कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, कूलर बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है. क्यों, क्योंकि हमारा जो मशीन होती है वो लगातार काम करती रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, फुक जाएगी. सेम एज हमारी बॉडी है, अगर वो लगातार काम करती रहेगी तो क्या होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी एकदम से, ठीक है. तो प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप जो होती है वो रिलैक्स कर देती है हमारे मसल्स को, एंड गिव्स अवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट, जो रेस्ट होता है वो हमारी बॉडी को फिर मिल जाता है. वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन आफ्टर प्रॉपर रेस्ट. जब हम प्रॉपरली रेस्ट कर लेते हैं तो हम एकदम से फ्रेश हो जाते हैं कि हाँ चलो अब हम दोबारा काम कर सकते हैं. आप कभी दोपहर में सो के देखो, शाम को आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कि येस आई एम रेडी टू वर्क अगेन, ठीक है. जैसे सुबह उठते तभी तो कहते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, क्योंकि सो के उठे हैं, रिलैक्स करके चुके हैं, रेस्ट करके चुके हैं. तो ऐसे जैसे चार्जिंग में मोबाइल है ना, बस वैसे ही समझ लो, मोबाइल लगा दो चार्जिंग पे तो वो चार्ज हो जाता है, ऐसे हमारी बॉडी अगर सो जाए, हम रिलैक्स करें रेस्ट करें तो फिर क्या है, वापस से चार्ज हो जाती है और पूरा प्रॉपर काम करने लगती है. स्लीप ऑल्सो गिव्स टाइम टू द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स. जब आप सोते हो तो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ भी होती है, ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीज़, बीमारियों का मतलब क्या होता है, डिसीज़ बीमारी, बीमारी का क्या मतलब है क्या बीमारी एक्चुअली. डिसीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब आप उस समय नॉर्मल नहीं फील करते, इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, उसमें बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी, ठीक है. जब आप बीमार होते हो तो प्रॉपरली आप चलते नहीं हो, फिरते नहीं हो, पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे काम आप प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती. देखो डिसीज़ का नाम सुनते हैं मुझे छींक भी आ गई, राइट. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन डिसीज़ अकर, ये बीमारियाँ होती कैसे हैं एक्चुअली. डिसीज़ कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजन, इसके जो हैं बहुत सारे जो हैं वो रीजंस हैं. पहला क्या रीज़न है, सम डिसीज़ लाइक डायबिटीज़ हो गई या फिर आर्थराइटिस हो गए आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर बॉडी स्टॉप फंक्शन प्रॉपरली. देखो डायबिटीज़ वगैरह में क्या होता है, पैनक्रियाज जो है वो काम करना बंद कर देती है, ऐसे आर्थराइटिस में, ठीक है. तो ये जो बीमारियाँ होती हैं, चाहे मतलब डायबिटीज़ हो चाहे आर्थराइटिस हो, तो कोई भी बीमारी, वो अलग अलग बीमारियों की बात करें, सॉरी, तो बॉडी का जो कोई पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो हम बोलते हैं बीमारी हो गई हमें. दूसरी बात हम कहते हैं डेफिशिएंसी, यानी कि कमी हो गई, और लैक, लैक मतलब कमी होता है ऑफ पर्टिकुलर मिनरल या विटामिन की, आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो ऑल्सो कॉज डिसीजेस, तो इससे भी बीमारियाँ होंगी. दे आर कॉज्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस, दे आर कॉल्ड, तो इन्हें कहा जाता है जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उन्हें कहा जाता है डेफिशिएंसी डिसीज, कमी से हुई बीमारियाँ.
नेक्स्ट देखिए, राइट द टाइप्स ऑफ डिसीजेज, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। दो तरीके की होती हैं डिसीजेज, आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, और दूसरी होती है कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। लेट सपोज आपकी हड्डी टूट गई है, आपकी हड्डी टूटेगी, कोई आपके पास आएगा तो ऐसा तो नहीं आपके पास बैठ के उसकी भी हड्डी टूट जाएगी। ये नॉन कम्युनिकेबल होगा एक तरीके से, ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी मान लो मुझे कोल्ड हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पास कोई आके बैठेगा तो उसको कोल्ड हो सकता है, क्योंकि कोल्ड जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे में जा सकती है। आप आ जाओ, एक्सप्लेन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बता, तो मैंने दिया, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं हमसे भी। दीज आर डिसीजेज दैट आर नॉट पास्ड ऑन वन पर्सन, ठीक है, ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक से दूसरे में पास नहीं होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, आप किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको रात में अच्छे से नहीं दिखता, तो ऐसा थोड़ी है उसके बेड पे जो सोएगा उसको रात को दिखना बंद हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल है। दूसरा बेरीबेरी रोग हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, रिकेट्स हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया में क्या होता है बच्चे, खून की कमी हो जाती है। अब आपकी बॉडी में खून की कमी है तो दूसरे के अंदर थोड़ी ना हो जानी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ये एग्जाम्पल्स हो गए। चाहो तो पॉज कर करके सारे आंसर्स लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीपल टाइम्स वीडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर देना, प्लीज़ 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 बच्चों को शेयर कर देना, जितने ज़्यादा बच्चों तक ये नोट्स पहुँचाओगे उतना ही ज़्यादा बच्चों का भला होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, एक क्लिक करने में जाता ही क्या है आपका, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आगे। व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, हाउ इज़ इट कॉज, और किस तरीके से होती है। इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे पहले एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। अब द पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट, अब नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट को अच्छे से दिखाई नहीं देता कम रोशनी में। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और ये कब होती है, जब आपकी बॉडी में विटामिन ए जो है वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विटामिन ए हो गया कम या फिर ना हो कम तो क्या खाएं हम, ठीक है। तो राइट सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए के सोर्सेज लिखिए। अब क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मैंगो खाइए, पपाया खाइए, टमाटो खाइए, बटर मिल्क यानी कि छाछ वगैरह लीजिए, ठीक है, फिश खाइए, एग योक खाइए, ये होते हैं रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, यानी कि अगर हम ये सब खाते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं होगी, क्योंकि फिर विटामिन ए की कमी नहीं होगी। आप आ जाओ नेक्स्ट, वॉट इज़ बेरी बेरी, हाउ इज़ इट कॉस्ट, और किस तरीके से ये होता है ये रोग। सिक्स्थ के बच्चों के लिए भी सेम है ये वीडियो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ यही है। सेकेंड चैप्टर अगर सिक्स्थ का एनसीईआरटी का देखो तो सब चीज़ें यही हैं उसके अंदर भी। बेरीबेरी इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, सो बेरीबेरी जो रोग होता है वो कमी से होता है विटामिन B1 की, ठीक है। राइट सम गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, अब विटामिन बी के गुड सोर्सेज आप बताओ, किस किस चीज़ को खाएं कि विटामिन बी अच्छे से मिल जाए। विटामिन बी इज़ प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस में मिलेगा हमें, मिल्क में मिलेगा, मीट में मिलेगा, मटर में मिलेगा यानी पीज में, सीरियल्स में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन, व्हाट इज स्कर्वी, स्कर्वी रोग क्या है, एक्चुअली स्कर्वी है क्या, ये एक रोग है, ठीक है। हाउ इज इट कॉज्ड, और किस तरीके से ये हो जाता है। स्कर्वी इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स होगा, आपके गम्स में से खून आएगा एंड स्वेलिंग हो जाएगी, आपके स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग आ जाएगी, रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी, यही रिजल्ट है इसके, यही होता है इससे। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये क्यों होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सम गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, आप कुछ अच्छे अच्छे सोर्स लिखिए विटामिन सी के। तो विटामिन सी कहाँ से मिलेगा हमें, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे खट्टे फ्रूट्स से मिलेगा हमें, टमाटो से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा, पोटैटो से मिलेगा, स्प्राउटेड ग्रेन से मिलेगा, और पल्सेस यानी कि दालों से मिलेगा। अब नेक्स्ट बताइए, वॉट इज रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, हाउ इज इट कॉज्ड, और ये किस तरीके से होता है। रिकेट्स इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी एक से दूसरे में नहीं जाता, ये ऐसी बीमारी है। इन दिस डिसीज, इस बीमारी में द बोन्स बिकम सॉफ्ट, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो रिकेट्स में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट हो जाने से क्या है, कमजोरी तो हो जाएंगी वो। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपकी विटामिन डी की, इसका मतलब आपकी बॉडी में कमी है, तभी तो ये रोग हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, राइट। धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी खूब सारा मिल जाएगा आपको। वॉट इज गॉटर, गॉटर क्या होता है, हाउ इज इट कॉज्ड, और किस तरीके से होता है। तो गॉटर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, अब ये भी एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होता है। इन गॉटर क्या होता है, एक ग्लैंड होती है, अ ग्लैंड इन द नेक, आपकी गर्दन में एक ग्लैंड होगी, गले के अंदर, गर्दन में नहीं गले में बोलो, ठीक है। और इस रीजन में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, देखना पिक्चर दे रखी है बुक में आपको, काफ़ी गला जो है फूल जाता है, सूज जाता है बीच में से। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम गॉटर, अब हमें ये बीमारी ना हो, गॉटर की बीमारी ना हो तो हमें क्या करना है फिर उसके लिए। तो गॉइटर कैन बी प्रिवेंटेड, गॉइटर को जो है रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है।
बाय यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर हम आयोडीन वाला नमक खाते हैं, आता है ना घॉयटरेड, मेरे नमक में आयोडीन है, यानी उससे घॉयटर नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमें खाना चाहिए। प्लस सी फूड इज़ ऑल्सो रिच इन आयोडीन। सो सी फूड जैसे आपका फिश हो गया, यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समुद्र से निकाल निकाल के लोग खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है, तो केकड़ा वेकड़ा सब कुछ खा लेते हैं, अब तो क्रैब्स वगैरह लोग खाते हैं ना, तो वो सब कुछ आप खा सकते हैं, तो फिर खाइए, क्वार्टर आपको नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेम अ डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन इन फूड। अब एक ऐसी बीमारी बताइए जो कि आयरन की कमी से होती है, बुक का ही क्वेश्चन है आपकी। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है, कहते नहीं खून की कमी हो गई इसको एनीमिया है, ठीक है, तो वो कब होगा, जब आपकी बॉडी में आयरन कम हो जाएगा। व्हाट हैपन्स इन एनीमिया, आप वो बोल रहे हैं होगा क्या एनीमिया में, ठीक है, तो इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स आपके कम हो जाएंगे, सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की वो कैसी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने की जो उनकी कैपेसिटी है वही कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट सम गुड सोर्सेज ऑफ आयरन, अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें बताओ जिससे खाएँ तो आयरन हमें अच्छे से मिल जाए, जिससे हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, मतलब बीमारी ना हो आयरन की, आयरन वाली कमी ना हो। आयरन इज प्रेजेंट इन डेट्स, एप्पल्स, बनानास, ग्वावास, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी मीट एंड लीवर, इन सब चीज़ों में आयरन अच्छे से मिलता है। यानी कि अगर आप जो हैं वो डेट्स खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, बनाना खाते हैं, या फिर अमरूद खाते हैं, स्पिनच यानी कि पालक खाते हैं, बैगन खाते हैं, पल्सेस लेते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ लेते हैं, मीट खाते हैं, लिवर लेते हैं, तो क्या है आपको जो है वो अच्छे से आयरन आपकी बॉडी को मिल जाएगा, इसकी कोई कमी आपके बॉडी में नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाली द डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड, जो फैल सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो उनको कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड, ये स्प्रेड हो कैसे जाती हैं, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स के द्वारा हो जाती हैं, कॉल्ड बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेस हो गए, ठीक है, अभी तो देखो फैला हुआ है ना कोविड, ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज ही तो है एक तरीके से, सबको हो जा रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है ये। अब आ जाओ नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ लिया, अब आ जाओ, हाउ आर जर्म्स स्प्रेड, ये जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड कैसे हो जाते हैं, एक से दूसरे में कैसे जाते हैं। जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू कफिंग, जब कोई खांसता है तब, स्पिटिंग कोई थूकता है, और स्नीजिंग जब छींकता है, तो इससे जो होते हैं जर्म्स उसकी बॉडी से निकलते हैं, वो बाहर आ जाएंगे, दूसरे तक पहुंच सकते हैं। जर्म्स एंटर हो जाते हैं द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ, मतलब आप इनहेल कर लोगे अगर ऐसी एयर जिसमें जर्म्स हैं, तो जर्म्स भी अंदर चले जाएंगे, आपके मुंह के द्वारा भी अंदर जा सकते हैं आपके, और विद फूड एंड वाटर, पानी से और यू नो फूड से भी जा सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन, अगर आपकी बॉडी में कहीं कट लगे हुए हैं तो उससे भी जर्म्स जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। राइट सम डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसी कुछ बीमारियाँ बताओ जो बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बैक्टीरिया कॉजेज डिसीजेज लाइक प्लेग हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इसको पिनोमिया मत पढ़ लेना, निमोनिया हो सकता है, और मिनिगिट्स हो सकता है। अब ये सारी बीमारियों की स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये बीमारियाँ लिखने के लिए आ जाती हैं बैक्टीरिया से होने वाली, बताओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, राइट सम डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, या प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, तो प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया हो सकता है, या फिर एमोएबिक डायसेंट्री, ये आपको हो सकती हैं बीमारियाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, राइट सम डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेज, अब इस समय तो कोविड लिख दो भाई, सबको हो सकता है। वायरसेस कॉजेज डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मिजल्स, ठीक है, तो वायरसेस से ये बीमारियां हो सकती हैं। अब विच डिसीज आर कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि अगर आप गंदा पानी पी लो, पॉल्यूटेड खाना खा लो या पानी पी लो, तो उससे हो जाएगी। तो डिसीजेज लाइक टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पोलियो हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ये स्प्रेड हो सकते हैं अगर आप ईट कर लेते हैं इन्फेक्टेड फूड को, या फिर ड्रिंक कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर्स एंड कंटामिनेट आवर फूड एंड वाटर, कौन है बताओ, कौन कैरी करके लेकर आते हैं सीवर वीवर से, गंदगी से, और फिर हमारे फूड को जो है वो कंटामिनेट करते हैं, हमारे पानी को भी कंटामिनेट करते हैं, दिखा दो आंसर। फ्लाइज, मक्खियाँ एंड कॉकरोचेज, ये हैं जो कैरी करते हैं जर्म्स को फ्रॉम सीवर्स एंड कंटामिनेट करते हैं हमारे फूड एंड वाटर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सम कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर, कुछ कारण बताइए जैसे कि फूड जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, पानी पॉल्यूट हो जाता है। देखो कैसे, हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। अगर हम पानी को गंदे हाथों से छुएं, लेट सपोज आप पीने का पानी भगोने में रखते हैं, उस भगोने में ऐसे ही हाथ डाल दो कि गंदा हो जाएगा, ना सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हैंडलिंग ऑफ फूड या फिर खाना ही है, हमने ऐसे गंदे संदे हाथों से खा लिया तो क्या होगा, हमने अपना फूड या छू लिया, अभी फूड तो हो गया ना कंटामिनेट, डर्टी हो गया ना, पॉल्यूशन उसके अंदर पहुंच गया ना। तो हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आपने साफ सफाई रखी ही नहीं उस जगह जहाँ आपने खाना पकाया या खाना रखा हुआ है, गंदे में रखोगे तो फूड तो गंदा ही होगा ना, ठीक है। तो यही मेन कारण होते हैं पॉल्यूशन ऑफ फूड के एंड वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ काउस कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह की गाय हैं जो इन्फेक्शन फैला सकती हैं, मतलब डिसीज्ड काउ, जिन गाय को बीमारी हो, बिकॉज देयर मिल्क कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। अब आप एक बीमार गाय का दूध पिएंगे तो आप भी बीमारी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, दैट कैरीज, जो कि कैरी करके ले जाता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, टिश्यूज तक पहुंचा देता है, लंग से लेता है और फिर टिश्यूज तक पहुंचा के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेम्स ऑफ सम डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जो आपका खून चूसते हैं ना मच्छर जैसे होता है, वो ब्लड सकिंग एनिमल्स से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, डिजीजेज लाइक मलेरिया है, येलो फीवर है, प्लेग है एंड काला जरार है, आर कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लिस हो गया, बग्स हो गया या फिर सैंड फ्लाइज हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारा खून चूसेंगे, फिर मतलब ये तो किसी बीमार आदमी का खून चूस कर आए, फिर आपके अंदर चूस लेंगे अगर उसी से, तो फिर इस तरीके से आप भी बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When and where people suffered from plague caused by the bites of red fleas? अब कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये चूहों के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी फैली थी। In 1994, a large number of people in the parts of Maharashtra and Gujarat suffer हुए थे from plague, plague की बीमारी फैल गई थी, ठीक है, महाराष्ट्र में और गुजरात में 1994 में। सब ध्यान रखना कि कहाँ फैली थी, कब फैली थी, किसकी वजह से फैली थी, किसकी वजह से फैली थी, बाय द बाइट्स ऑफ रेड, ठीक है, रेड फ्लीज की वजह से। अब 50 क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ डेंगू ट्रांसमिटेड, डेंगू एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है, डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड टू अ वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एंडिस मॉस्किटो दैट इज़, अब ये इसका आंसर इनकम्प्लीट है, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो चलो जी, बाय मिस्टेक इसकी फोटो पिक करने से रह गई आगे के आंसर की, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू कर लेंगे 50 क्वेश्चन को भी, और अच्छे लगे वीडियो तो फिर प्लीज़ जल्दी से कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, और अगर लास्ट की सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल के अपलोड्स में जाकर ज़रूर चेक करना, आपके बहुत काम का चैनल है ये, 5th और 6th दोनों की वीडियोज़ मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग।